मौसम के भयंकर रूप के चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों में हाई अलर्ट और भयंकर बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं कई राज्यों में बाढ़ के कारण भयंकर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी गांव या राज्य में रहते हैं तो इस खबर को बिना भगाए एकदम आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी कर दे और नीचे कमेंट करके अपने राज्य अपने गाँव का नाम जरूर लिखे ताकि आपके राज्य जिले और गाँव से जुड़े ताज़ा मौसम समाचार हम आपको लाकर देते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ आज के ताज़ा मौसम समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र तट, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में एक या दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इसके अलावा लक्षद्वीप, केरल, गंगे पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी गुजरात के साथ कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, आंध्री कर्नाटक और तमिलनाडु में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा है कि 27 जून से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और गंगे पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ भारी बारिश होने का अनुमान है। 25 से 28 जून के दौरान ओडिशा में बारिश का दौर रहेगा। इस दौरान ही बिहार और छत्तीसगढ़ में बारिश होने का अनुमान है। 27 और 28 जून को पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अगले 3 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून पूरे बिहार में पहुंच चुका है। उत्तर बिहार में इसका असर ज्यादा देखा जा रहा है। दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में बारिश हो रही है और कई अन्य जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। देश के अधिकतर राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम विभाग ने मानसून के आने की तारीख बता दी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में 27 जून को मानसून दस्तक देगा। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बिहार, झारखंड, ओडिशा, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही IMD ने अगले कुछ दिनों में मध्य महाराष्ट्र और भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दोस्तों, यूपी में कड़कड़ाती धूप और बादलों की आवाजाही का खेल कई दिनों से बरकरार है। इसके कारण उमस और चिपचिपी गर्मी भी बढ़ गई है। शुक्रवार को भी सुबह तेज धूप और फिर बादलों ने मौसम में उमस बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी प्रदेश में अगले 2 दिनों तक साफ मौसम और पूर्वी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो 26 जून को मानसून लखनऊ समेत कई जिलों में अपने आगमन की आहट करा देगा। राजधानी समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंचलिक मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक JP गुप्ता के अनुसार मानसून के लिहाज से राजस्थान से होकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली ट्रफ लाइन के कारण हवा में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है। इससे प्रदेश के देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र समेत कई जिलों में मूसलाधार भारी होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि अन्य जगहों पर बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ पश्चिमी जिलों समेत अन्य जगहों पर 26 जून तक गरज और चमक के साथ बारिश की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों में लखनऊ और आसपास के जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। रात में भी गर्मी कुछ कम होगी। इससे अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। मौसम विभाग की ओर से गरज और चमक के लिए उत्तर प्रदेश में 25 पूर्वी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, बलिया, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर शामिल हैं। वहीं दोस्तों, पंजाब में इस साल मानसून देर से पहुंचने के आसार हैं। राज्य में जुलाई के पहले हफ्ते में बारिश के आसार हैं। वीरवार को मौसम साफ होने के बाद गर्मी ने फिर जोर पकड़ लिया है। शनिवार को भी कई जिलों में पूरा दिन तेज धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बठिंडा पंजाब में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जलंधर में 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र चंडीगढ़ के पूर्वानुमान के अनुसार 27 जून तक पंजाब में मौसम ड्राई रहेगा। 28 जून से पंजाब के कई जिलों में प्री मानसून बरसेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून जुलाई के पहले सप्ताह में ही पंजाब में पहुंचेगा। कल और परसों भी तेज धूप है। लुधियाना में एक हफ्ते तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बादलों ने डेरा डाल रखा है, जिससे बूंदाबांदी और बारिश आती जाती रहेगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत रहेगी। लेकिन पिछले 2 दिनों से गर्मी फिर से बढ़ गई है। तीखी धूप ने लोगों को झुलसाना शुरू कर दिया है। शनिवार को भी लुधियाना में सुबह 6 बजे से ही धूप तेज निकलने लगी है। जैसे जैसे दिन बढ़ा, धूप भी बढ़ी। सुबह 8 बजे से पारा 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 174 के स्तर पर रहा। मौसम केंद्र चंडीगढ़ की माने तो आज पूरा दिन धूप रहेगी, जिससे पारा बढ़ेगा। इसके बाद जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून आएगा। पहले मानसून को 2 जुलाई तक पंजाब में आ जाना था, लेकिन अब थोड़ी देर बताई जा रही है। हालांकि महीने बारिश ज्यादा होने से लोगों के साथ ही किसानों को भी बड़ी राहत मिली थी। मानसून ने देरी से लोगों को निराश किया। वहीं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आज मौसम के साफ रहने की संभावना है। कल यानी 26 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे कई स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई गई है। कुछ स्थान पर बादल छाने से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव का अनुमान नहीं है। 26 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और आंधी चलने व बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी रहेगा। इस दौरान कई क्षेत्रों में वर्षा होगी। विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया है कि 27 से 28 जून को प्रदेश में मानसून पहुंचने की संभावना बन रही है। पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने और वायु के दबाव के कारण मानसून के पहुंचने में कुछ समय लगा है। कल से मौसम करवट बदल लेगा व गर्मी से राहत मिलेगी। प्रदेश में 2 दिन धूप खिलने से एक बार फिर गर्मी बढ़ गई है। अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज शनिवार को ही मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। ऐसे में तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में गर्मी से लोगों के पसीने छूटेंगे। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश में मौसम शुष्क
खुश्क रह सकता है, जबकि रविवार से मौसम के करवट बदलने के आसार हैं। इस दौरान कुमाऊं में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ के उत्तराखंड में सक्रिय होने के चलते रविवार से वर्षा के आसार बन रहे हैं। कुमाऊं में भारी वर्षा गढ़वाल में गरज के साथ तेज बौछारें पड़ सकती है। साथ ही मैदानी इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं 28 से 29 जून को प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की उम्मीद है। बीते दिनों प्रदेश में वर्षा के कारण गर्मी से राहत मिली तो बिजली की मांग में भी गिरावट आ गई है। अब पिछले दो दिन से पारा फिर चढ़ने लगा है और गर्मी बेहाल कर रही है। ऐसे में बिजली की मांग फिर शिखर पर पहुंच गई है। वहीं उपलब्ध मांग के सापेक्ष बेहद कम है। ऐसे में आशंका है कि एक बार फिर प्रदेशवासियों को कटौती की मार झेलनी पड़ सकती है। ऊर्जा निगम के प्रबंधन निदेशक अनिल कुमार ने बताया है कि पिछले दो दिन में प्रदेश के बिजली की खपत एक बार फिर प्रतिदिन 50 मिलियन यूनिट से ऊपर पहुंच गई है। वहीं जल विद्युत परियोजना और केंद्र से आवंटित अंश के बावजूद प्रदेश में बिजली की उपलब्धता बेहद कम है। ऐसे में राष्ट्रीय ऊर्जा एक्सचेंज से बिजली खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं झारखंड में मानसून की वर्षा में शुक्रवार को 44% की कमी दर्ज की गई है और 7 जिले 60% से अधिक की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार जब 18 जून को झारखंड में मानसून पहुंचा तो वर्षा की कुल कमी 50% थी। झारखंड में अच्छी वर्षा होने के कारण 22 जून को वर्षा की कमी 39% पर आ गई है। इसके बाद वर्षा की तीव्रता में कमी आई है और शुक्रवार को कमी बढ़कर 44% तक हो गई है। राज्य में इस दौरान 132.2 मिलीमीटर की सामान्य वर्षा के मुकाबले 1 से 24 जून तक 74.6 मिलीमीटर वर्षा हुई। राज्य के 24 जिलों में से केवल 3 जिलों पश्चिमी सिंहभूम, 2% धनबाद, देश के अधिकतर राज्यों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम विभाग ने मानसून के आने की तारीख बता दी है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में 27 जून को मानसून दस्तक देगा। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने बिहार, झारखंड, ओडिशा, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही IMD ने अगले कुछ दिनों में मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं दोस्तों यूपी में कड़कड़ाती धूप और बादलों की आवाजाही का खेल कई दिनों से बरकरार है। इसके कारण उमस और चिपचिपी गर्मी भी बढ़ गई है। शुक्रवार को भी सुबह से तेज धूप और फिर बादलों ने मौसम में उमस बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी प्रदेश में अगले दो दिनों तक मौसम साफ और पूर्वी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो 26 जून को मानसून लखनऊ समेत कई जिलों में अपने आगमन की आहट करा देगा। राजधानी समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। अंतिम मौसम विज्ञान विभाग ने निदेशक JP गुप्ता के अनुसार मानसून के लिहाज से राजस्थान से होकर बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाले ट्रफ लाइन के कारण हवा में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है। इससे प्रदेश के देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर, लखी 10% और दुमका -18% में वर्षा सामान्य है। कृषि विशेषज्ञों ने कहा है कि वर्षा कमजोर है लेकिन इसकी खरीफ की फसलों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने किसानों को बरसाती फसलों के लिए अपने खेतों को तैयार रखने का सुझाव दिया है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक नंदन ने बताया है कि झारखंड में मानसून के देरी से आने के कारण वर्षा की कमी दिख रही है। मौसम बरसात की मात्रा 1 जून से गिनी जाती है जबकि मानसून राज्य में 18 जून को आया था। यह कमी जून में जारी रह सकती है लेकिन जुलाई में स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड में मानसून की प्रगति सामान्य है, न तो मजबूत है और न ही कमजोर है। वर्षा की तीव्रता हवा की प्रवृत्ति में बदलाव और बंगाल की खाड़ी में नमी आने के कारण 27 जून तक बढ़ सकती है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार गढ़वा और चतरा जिलों में सबसे अधिक क्रमशः 88% और 86% वर्षा की कमी दर्ज की गई है जबकि खूंटी, हजारीबाग, पलामू, रामगढ़ और साहिबगंज में वर्षा में 60% से अधिक वर्षा की कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में लातेहार जिले में सबसे अधिक 38 मिलीमीटर और इसके साथ डाल्टनगंज में 22.2 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम पूर्वानुमान में 27 जून तक कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होगा। वहीं 28 जून को दक्षिणी पश्चिमी भाग में कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही जिले के कुछ स्थानों पर तेज हवा जिसकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता के बीच कई जगहों पर शुक्रवार को मेघ गर्जन के साथ वज्रपात हुआ। इस दौरान रांची सहित कुछ स्थान पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य में अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की कायम रहेगा। इससे आसमान में बादल छाए हुए हैं और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात भी हो रहा है। इधर शुक्रवार को रांची, खूंटी, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, गिरडीह, दुमका, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, गढ़वा, मोदीनगर, चतरा जिले में कई स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ वर्षा हुई। फिलहाल वर्षा के बाद मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं बिहार में दक्षिण पश्चिमी मानसून की गतिविधि में तेजी आई है। पटना समेत देश के अलग अलग भागों में शुक्रवार को झमाझम वर्षा हुई है। शुक्रवार को किशनगंज, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, सिवान, गया, सुपौला में वर्षा हुई। राज्य में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज के गलगलिया में 90.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं पटना में सबसे कम 3.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। पटना के कुछ भागों में वर्षा हुई जबकि अन्य भागों में बादल छाए रहे। अगले 24 घंटों के दौरान पटना समेत राज्य के सभी जिलों में मेघ गर्जन में बिजली चमकने आसार हैं। वहीं उत्तर बिहार के 4 जिलों में मधुबनी, सुपेला, कुशनगंज और अररिया में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कल से बारिश का असर बढ़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूरे प्रदेश में पूर्वी व दक्षिणी हवा का प्रभाव बना हुआ है। वर्षा के कारण प्रदेश के जिलों के तापमान में गिरावट आई है। शनिवार को पटना इसके आसपास क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 26 से 28 जून तक के लिए कई जिलों में भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 26 जून को पूर्णिया, कटिहार, 27 जून को किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार एवं 28 जून को पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, सुपेल, मधेपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी दी है। वहीं आने वाले 24 घंटों के दौरान तटीय महाराष्ट्र, कर्नाटक तट, केरल के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ऊपरी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। वहीं शेष पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, मराठवाड़ा, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के
कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। तटीय उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी गुजरात और तमिलनाडु में हल्की बारिश हुई है। तो दोस्तों, आज के मौसम समाचार में बस इतना ही। ऐसे ही ताजा और सटीक मौसम समाचार अपने मोबाइल पर फ्री में पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बगल में घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इन खबरों के बारे में सबको पता चल सके। धन्यवाद।